आदाब, नमस्कार। मेरी अपनी महफिल में आपका एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। इस महफिल में मैं आपको सादत हसन मंटो के बेहद मुख्तसर अफसाने सुना रहा था, जो मेरे पास अब ख़त्म हो गए हैं। आज से मैं आपको मंटो के कुछ और अफसाने सुनाऊंगा, ऐसे अफसाने जिसमें समाज के नासूरों का जिक्र तो है लेकिन कोई ऑब्सिनिटी नहीं है, कोई फहाशी नहीं है, जिसका इल्ज़ाम सारी उम्र उन पर लगता रहा। उसके बावजूद अफसानों का अंजाम पढ़कर आपके रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाएंगे। आज के अफसाने का उन्वान है जी आया साहब। बावर्ची खाने की धुंधली फिजा में बिजली का एक अंधा कुकुमा चिरागे गोर की मानिंद अपनी सुर्ख रोशनी फैला रहा था। धुएं से अटी हुई दीवारें हैबतनाक देवों की तरह अंगड़ाइयाँ लेती मालूम हो रही थीं। चबूतरे पर बनी हुई अंगेठियों में आग की आखिरी चिंगारियाँ उभर उभर कर अपनी मौत का मातम कर रही थीं। एक बर्की चूल्हे पर रखी हुई केतली का पानी न मालूम किस चीज़ पर खामोश हंसी हंस रहा था। दूर कोने में पानी के नल के पास एक छोटी उम्र का लड़का बैठा बर्तन साफ करने में मशगूल था। ये इंस्पेक्टर साहब का नौकर था। बर्तन साफ करते वक्त ये लड़का कुछ गुनगुना रहा था। ये अल्फाज ऐसे थे जो उसकी ज़बान से बग़ैर किसी कोशिश के निकल रहे थे। वो गुनगुना रहा था, जी आया साहब, जी आया साहब, बस अभी साफ हो जाते हैं साहब, जी आया साहब। अभी बर्तनों को राख से साफ करने के बाद उन्हें पानी से धोकर करीने से रखना भी था और ये काम जल्दी से ना हो सकता था। लड़के की आंखें नींद से बंद हुई जा रही थीं, सर सख्त भारी हो रहा था, मगर काम किए बगैर ये क्यों कर मुमकिन था। बल्कि चूल्हा बदस्तूर एक शोर के साथ नीले शोलों को अपने हलक से उगल रहा था। केतली का पानी उसी अंदाज में खिलखिलाकर हंस रहा था। दफतन लड़के ने नींद के नाकाबिल मगलूब हमले को महसूस करते हुए अपने जिस्म को एक जुम्बिश दी और जी आया साहब गुनगुनाता हुआ फिर अपने काम में मशगूल हो गया। दीवार गिरों पर चुने हुए बर्तन उस लड़के को एक गैर मुख्तम टिकटिकी लगाए देख रहे थे। पानी के नल से रोज़ाना एक ही वाकया देखकर कतरों की सूरत में आंसू टप टप गिर रहे थे। बिजली का कुमकुमा हैरत से उस लड़के की तरफ देख रहा था। कमरे की फिजा सिसकियां भरती हुई मालूम हो रही थी। कासिम, कासिम, जी आया साहब, लड़का जू ही इन अल्फाज की गर्दान कर रहा था, भागा हुआ अपने आका के पास गया। इंस्पेक्टर साहब ने कंबल से मुंह निकाला और लड़के पर खफा होते हुए कहा, बेवकूफ़ के बच्चे, आज फिर यहाँ सुराही और ग्लास रखना भूल गया, अभी लाया साहब, अभी लाया साहब। कमरे में सुराही और ग्लास रखने के बाद वो अभी बर्तन साफ करने के लिए बैठा ही था कि फिर उस कमरे से आवाज़ आई, कासिम, कासिम, जी आया साहब। कासिम भागता हुआ अपने आका के पास गया। बम्बई का पानी किस कदर ख़राब है, जाओ
पारसी के होटल से सोडा लेकर आओ, बस भागे हुए जाओ, सख्त प्यास लग रही है। बहुत अच्छा साहब। कासिम भागा हुआ पारसी के होटल से, जो घर से तकरीबन नेस्ट मील के फासले पर वाक़ था, सोडे की बोतल ले आया और अपने आका को ग्लास में डालकर दे दी। अब तुम जाओ, मगर इस वक्त तक क्या कर रहे हो? बर्तन साफ नहीं हुए क्या? अभी साफ हुए जाते हैं साहब। और हाँ, बर्तन साफ करने के बाद मेरा स्याह बूट भी पॉलिश कर देना, मगर देखना एहतियात रहे, चमड़े पर कोई खराश ना आए, वरना। कासिम को वरना के बाद का जुमला बखूबी मालूम था। बहुत अच्छा साहब, कहते हुए वो बावर्ची खाने में वापस चला गया और बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। अब नींद उसकी आंखों में सिमटी चली आ रही थी, पलकें आपस में मिली जा रही थी, सर में सीसा उतर रहा था, ये ख्याल करते हुए कि साहब के बूट भी अभी पॉलिश करने हैं। कासिम ने अपने सर को ज़ोर से जुम्बिश दी और वही राग अलापना शुरू कर दिया। जी आया साहब, जी आया साहब, बूट अभी साफ़ हो जाते हैं साहब, बूट अभी साफ़ हो जाते हैं साहब। मगर नींद का तूफ़ान हज़ार बंद बांधने पर भी ना रुका। अब उसे महसूस होने लगा कि नींद ज़रूर गलबा पाकर रहेगी, लेकिन अभी बर्तनों को धोकर उन्हें अपनी अपनी जगह पर रखना बाकी था। उस वक्त एक अजीब ख्याल उसके दिमाग में आया, भाड़ में जाएं बर्तन और चूल्हे में जाएं बूट, क्यों ना थोड़ी सी जगह पर सो जाऊं और फिर चंद लम्हात आराम करने के बाद। इस ख्याल को बागियाना तसव्वुर करते हुए कासिम ने तर्क कर दिया और बर्तनों पर जल्दी जल्दी राख मलना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद जब नींद फिर खाली आई तो उसके जी में आया कि उबलता हुआ पानी अपने सर पर उंडेल ले और इस तरह इस गैर मरई ताकत से जो उसके काम में हारिज हो रही थी निजात पाए। मगर इतना हौसला ना पड़ा, बसत मुश्किल मुबर पानी के छींटे मार मार कर उसने सब बर्तनों को बिलाखिर साफ कर ही लिया। ये काम करने के बाद उसने इत्मीनान का सांस लिया, अब वो आराम से सो सकता था। और नींद, वो नींद जिसके लिए उसकी आंखें और दिमाग इस शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, अब बिल्कुल नज़दीक थी। बावर्ची खाने की रोशनी गुल करने के बाद कासिम ने बाहर बरामदे में अपना बिस्तर बिछाया और लेट गया। इससे पहले कि नींद उसे अपने आरामदे बाजुओं में थाम ले, उसके कान बूट बूट की आवाज़ों से गूंज उठे। बहुत अच्छा साहब, अभी पॉलिश करता हूँ, बड़बड़ाता हुआ कासिम बिस्तर पर से उठा, जैसे उसके आका ने अभी बूट रोगन करने के लिए हुक्म दिया है। अभी कासिम बूट का एक पैर भी अच्छी तरह पॉलिश ना करने पाया था कि नींद के गलबे ने उसे वहीं पर सुला दिया। सूरज की खूनी किरणें उस मकान के शीशों से नमूदार हुईं। कासिम की किताब हयात में एक और पुरस मशक्क़त बाप का इजाफा किया। सुबह जब इंस्पेक्टर ने अपने नौकर को बाहर बरामदे में बूटों के पास सोया हुआ देखा तो उसे ठोकर मारकर जगाते हुए कहा, यह सुअर की तरह यहाँ बेहोश पड़ा है, और मुझे ख्याल था कि उसने बूट साफ कर लिए होंगे, नमक हराम। अबे कासिम। जी आया साहब। कासिम के मुंह से इतना ही निकला था कि उसने अपने हाथ में बूट साफ करने का ब्रश देखा। फौरन इस मामले को समझते हुए उसने लरसती हुई आवाज़ में कहा, मैं सो गया था साहब, मगर बूट अभी पॉलिश हो जाते हैं साहब। ये कहते हुए उसने जल्दी जल्दी बूट को ब्रश से रगड़ना शुरू कर दिया।
बूट पॉलिश करने के बाद उसने अपना बिस्तर तय किया और उसे ऊपर के कमरे में रखने चला गया। कासिम जी साहब, कासिम भागा हुआ नीचे आया और अपने आका के पास खड़ा हो गया। देखो आज हमारे यहाँ मेहमान आएंगे, इसलिए बावर्ची खाने के तमाम बर्तन अच्छी तरह साफ रखना, फर्श भी धुला हुआ होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हें मुलाकाती कमरे की तस्वीरों, मेज़ों और कुर्सियों को भी साफ करना होगा, समझे? मगर ख्याल रहे, मेरी मेज़ पर एक तेज़ धार चाकू पड़ा हुआ है, उसे मत छेड़ना। मैं अब दफ्तर जा रहा हूँ, मगर ये काम 2 घंटे से पहले हो जाना चाहिए। बहुत बेहतर साहब। इंस्पेक्टर साहब दफ्तर चले गए। कासिम बावर्ची खाना साफ करने में मशगूल हो गया। 1.5 घंटे की अंथक मेहनत के बाद उसने बावर्ची खाने के तमाम काम को ख़त्म कर दिया और हाथ पांव साफ करने के बाद झाड़न लेकर मुलाकाती कमरे में चला गया। वो अभी कुर्सियों को झाड़न से साफ कर रहा था कि उसके थके हुए दिमाग में एक तस्वीर सी खींच गई। क्या देखता है कि उसके गिर्दो पेश बर्तन ही बर्तन पड़े हैं और पास ही राख का एक ढेर है। हवा जोरों पर चल रही है जिससे वो राख का एक ढेर उड़ उड़ कर फिजा को खाकस्तर बना रही है। यकायक इस जुल्मत में एक सुर्ख आफ्ताब नमूदार हुआ जिसकी किरणें खून आशाम बर्छियों की तरह हर बर्तन के सीने में घुस गईं। जमीन खून से शराबोर हो गई। फिजा खुशी के कहकहों से मामूर हो गई। कासिम ये मंजर देखकर घबराया और इस वहशतनाक ख्वाब से बेदार होकर जी आया साहब कहता हुआ फिर अपने काम में मशगूल हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों के सामने एक और मंजर रक्स करने लगा। अब उसके सामने छोटे छोटे लड़के आपस में कोई खेल खेल रहे थे। दफतन आंधी चलनी शुरू हुई जिसके साथ ही एक बदनुमा और भयानक देव नमूदार हुआ जो उन सब लड़कों को निगल गया। कासिम ने ख्याल किया कि वो देव उसके आका के हमशक्ल था, वो कदोकामत के लिहाज से वो उससे कहीं बड़ा था। अब उस देव ने जोर जोर से डकारना शुरू किया। कासिम सर से पैर तक लरस गया। अभी तमाम कमरा साफ करना था और वक्त बहुत कम रह गया था। चुनांचे कासिम ने जल्दी जल्दी कुर्सियों पर झाड़न मारना शुरू कर दिया। अभी वो कुर्सियों का काम ख़त्म करने के बाद मेज साफ करने जा रहा था कि उसे यकायक ख्याल आया, आज मेहमान आ रहे हैं, खुदा जाने कितने बर्तन साफ करने पड़ेंगे और ये नींद कमबख्त कितना सता रही है, मुझसे तो कुछ भी ना हो सकेगा। ये सोचते वक्त वो मेज़ पर रखी हुई चीज़ों को पोंछ रहा था कि अचानक उसे कलमदान के पास एक खुला हुआ चाकू नजर आया। वही चाकू जिसके मुतालिक उसके आका ने कहा था कि बहुत तेज है। चाकू का देखना था कि उसकी ज़बान पर ये लफ्ज़ खुद बखुद जारी हो गए, चाकू, तेज़ धार चाकू, यही तुम्हारी मुसीबत को ख़त्म कर सकता है। कुछ और सोचे बगैर कासिम ने तेज़ धार चाकू उठा, अपनी उंगली पर फेर लिया। अब वो शाम के वक्त बर्तन साफ़ करने की जहमत से बहुत दूर था और नींद, प्यारी नींद, अब उसे बआसानी नसीब हो सकती। उंगली से खून की सुर्ख धार बह रही थी, सामने वाली दवात की सुर्ख रोशनाई से कहीं चमकीली। कासिम उस खून की धार को मसरत भरी आंखों से देख रहा था और मुंह में यह गुनगुना रहा था, नींद
नींद, प्यारी नींद। थोड़ी देर बाद वो भागा हुआ अपनी आका की बीवी के पास गया, जो जनान खाने में बैठी सिलाई कर रही थी, और अपनी जख्मी उंगली दिखाकर कहने लगा, देखिए बीबी जी, अरे कासिम, ये तूने क्या किया? कमबख्त, साहब के चाकू को छेड़ा होगा तूने। बीबी जी, बस मेज साफ कर रहा था और इसने काट खाया। कासिम हंस पड़ा, अबे सूअर अब हंसता है? इधर आ, मैं इस पर कपड़ा बांध दूं। मगर बता तो सही, आज ये बर्तन तेरा बाप साफ करेगा? कासिम अपनी फतेह पर जेरे लब मुस्कुराया। उंगली पर पट्टी बंधवा कर कासिम फिर कमरे में आ गया और मेज पर पड़े हुए खून के धब्बों को साफ करने के बाद खुशी खुशी अपना काम खत्म कर दिया। अब उस नमक हराम बावर्ची को बर्तन साफ करने होंगे, ज़रूर साफ करने होंगे, क्यों मियाँ मिट्ठू? कासिम ने इंतहाई मसरत में खिड़की में लटके हुए तोते से दरियाफ्त किया। शाम के वक्त मेहमान आए और चले गए। बावर्ची खाने में साफ करने वाले बर्तनों का एक तोमार सा लग गया। इंस्पेक्टर साहब कासिम की जख्मी उंगली देखकर बहुत बरसे और जी खोलकर गालियां दी, मगर उसे मजबूर ना कर सके, शायद इसलिए कि एक बार उनकी अपनी उंगली में कलम तराश की नोक चुभ जाने से बहुत दर्द महसूस हुआ था। आका की खफगी ने आने वाली मसरत ने भुला दी और कासिम कूदता फाँदता हुआ अपने बिस्तर में जा लेता। 3-4 रोज तक वो बर्तन साफ करने की जहमत से बचा रहा, मगर उसके बाद उंगली का जख्म भर आया। अब फिर वही मुसीबत नमूदार हो गई। कासिम साहब की जुराबे और कमीज धो डालो। बहुत अच्छा बीबी जी। कासिम, इस कमरे का फर्श कितना बदनुमा हो रहा है, पानी लाकर अभी साफ करो, देखना कोई दाग धब्बा ना जाए, बाकी ना रहे। बहुत अच्छा साहब। कासिम, शीशे के गिलास कितने चिकने हो रहे हैं, उन्हें नमक से साफ करो। जी अच्छा साहब। कासिम, तोते का पिंजरा किस कदर गलीज हो रहा है, उसे साफ क्यों नहीं करते? अभी करता हूँ बीबी जी। कासिम, अभी खाकरूब आता है, तुम पानी डालते जाना, वो सीढ़ियों को धो डालेगा। बहुत अच्छा साहब। कासिम, जरा भाग के एक आने का दही तो ले आना। अभी चला बीबी जी। 5-6 रोज इसी किस्म के अहकाम सुनने में गुजर गए। कासिम काम की ज्यादती और आराम के कहर से तंग आ गया। हर रोज उसे आधी रात तक काम करना पड़ता, फिर अलग सुबह 4 बजे करीब बेदार होकर नाश्ते के लिए चाय तैयार करनी पड़ती। ये काम कासिम की उम्र के लड़के के लिए बहुत ज्यादा था। एक रोज इंस्पेक्टर साहब की मेज साफ करते वक्त उसके हाथ खुद ब खुद चाकू की तरफ बढ़े और एक लम्हे के बाद उसकी उंगली से खून बह रहा था। इंस्पेक्टर साहब और उनकी बीवी कासिम की यह हरकत देखकर बहुत खफा हुए, चुनांचे सजा की सूरत में उसे शाम का खाना न दिया गया। मगर वो अपनी ईजाद करदा तरकीब की खुशी में मगन था। एक वक्त रोटी न मिलेगी, उंगली पर मामूली सा जख्म आ गया, मगर बर्तनों का अंबार साफ करने से निजात मिल गई। ये सौदा कुछ बुरा नहीं था। चंद दिनों के बाद उसकी उंगली का जख्म ठीक हो गया। अब फिर काम की वही भरमार थी। 15-20 रोज गधों की सी मशक्कत में गुजर गए। इसी अरसे में कासिम ने बारह इरादा किया कि चाकू से फिर अपनी उंगली जख्मी कर ले, मगर अब मेज पर से चाकू उठा लिया गया था और बावर्ची खाने वाली छुरी कुंद थी।
एक रोज बावर्ची बीमार पड़ गया। अब उसे हर वक्त बावर्ची खाने में मौजूद रहना पड़ता। कभी मिर्चें पीसता, कभी आटा गूंथता, कभी कोयलों को जला देता। गरज सुबह से लेकर आधी रात तक उसके कानों में अबे कासिम ये कर, अबे कासिम वो कर की सदा गूंजती रहती। बावर्ची दो रोज तक ना आया। कासिम की नन्नी जान और हिम्मत जवाब दे गई, मगर सिवाय काम के और चारा ही क्या था। एक रोज उसके आका ने उसे अलमारी साफ करने को कहा, जिसमें दवाओं की शीशियां और मुख्तलिफ चीजें पड़ी हुई थी। अलमारी साफ करते वक्त उसे दाढ़ी मूंढने का एक ब्लेड नजर आया। ब्लेड को पकड़ते ही उसने अपनी उंगली पर फेर लिया। धार थी बहुत तेज और बारीक, उंगली में दूर तक चली गई, जिससे बड़ा जख्म बन गया। कासिम ने बहुत कोशिश की कि खून निकलना बंद हो जाए, मगर जख्म का मुंह बड़ा था, वो ना थमा। शेरों खून पानी की तरह बह गया। ये देखकर कासिम का रंग कागज की मानिंद सफेद हो गया। भागा हुआ अपने आका की बीवी के पास गया। बीवी जी, मेरी उंगली में साहब का उस्तरा लग गया। जब इंस्पेक्टर साहब की बीवी ने कासिम की उंगली को तीसरी मर्तबा जख्मी देखा, फौरन मामले को समझ गई। चुपचाप उठी और कपड़ा निकाल कर उसकी उंगली पर बांध दिया और कहा, कासिम अब तुम हमारे घर में नहीं रह सकते। वो क्यों बीबी जी? ये साहब से दरियाफ्त करना। साहब का नाम सुनते ही कासिम का रंग और भी सफेद हो गया। 4 बजे के करीब इंस्पेक्टर साहब दफ्तर से घर आए और अपनी बीवी से कासिम की नई हरकत सुनकर उसे फौरन अपने पास बुला लिया। क्यों मियाँ, ये उंगली को हर रोज जख्मी करने का क्या मानी है? कासिम खामोश खड़ा रहा। तुम नौकर ये समझते हो कि हम लोग अंधे हैं और हमें बार बार धोखा दिया जा सकता है। अपना बोरिया बिस्तर दबाकर नाक की सीध में यहाँ से भाग जाओ। हमें तुम जैसे नौकरों की कोई ज़रूरत नहीं, समझे? मगर साहब का बच्चा, भाग जा यहाँ से, तेरी बकाया तनख्वाह का एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। कासिम रोता हुआ कमरे से बाहर चला गया। तोते की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा। तोते ने भी खामोशी में उससे कुछ कहा और वो अपना बिस्तर लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। मगर दफ़तन कुछ ख्याल आया और भागा हुआ अपने आका की बीवी के पास गया और दर्द अंगेज आवाज़ में इतना कहकर, सलाम बीबी जी, मैं हमेशा के लिए आपसे रुखसत हो रहा हूँ, वहाँ से रुखसत हो गया। खैराती अस्पताल में एक नौखेज लड़का दर्द की शिद्दत से लोहे के पलंग पर करवटें बदल रहा है। पास ही 2 डॉक्टर बैठे हैं। उनमें से एक डॉक्टर अपने साथी से मुखातिब हुआ। जख्म खतरनाक सूरत अख्तियार कर गया है, हाथ काटना पड़ेगा। बहुत बेहतर, ये कहते हुए दूसरे डॉक्टर ने अपनी नोटबुक में उस मरीज का नाम दर्ज कर लिया। एक चोबी तख्ते पर जो चारपाई के सिरहाने लटका हुआ था, मुंदरजा ज़ेल अल्फाज लिखे थे, नाम मोहम्मद कासिम वल्द अब्दुल रहमान, मरहूम, उम्र 10 साल। ये था सादत हसन मंटो का अफसाना जी आया साहब। कल फिर आऊँगा और अपनी महफिल में मंटो का ही एक और अफसाना सुनाऊँगा।